हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंफ्रा बिल्ड सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 25 फीट बाय 26 के प्लॉट में घर का नक्शा बनाना। 25 फीट बाय 26 फीट, ये हमारी प्लॉट की विड्थ 25 फीट और ये है लेंथ 26 फीट। ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है, ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट। पहले हम अपनी वॉल की थिकनेस मार्क कर लेते हैं। ये हमारी वॉल है, 5 थिक वॉल है। उसके बाद हम देखेंगे इसके डायमेंशन वगैरह क्या है। इस पे हमारी ये विंडो के लिए ओपनिंग की जगह छोड़ देते हैं, ये वाइट पोर्शन, ठीक है। ये हमारी वॉल की मार्किंग होगा। ये हमारी विंडो है, यहाँ पे ये विंडो, ये हमारा कट कट आउट। अब चलिए शुरू करते हैं मेन एंट्रेंस से। ये हमारे स्टेप्स बना देता हूँ अंदर की ओर एंटर करने के लिए। ये स्टेप्स, ये है मेन डोर, मेन डोर हो गया, ठीक है। मेन डोर से एंटर करते हैं। ये हमारा ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया का साइज है 16 फीट 2 इंच, ये विड्थ, ये और ये हमारी है 7 फीट 8 इंच। और ये हमारे ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर केस। अब ये स्टेयर केस का विड्थ हमने 3 फीट रखा है, ये 3 फीट इधर भी, ये 3 फीट इधर भी। ये हमारे स्केल में नहीं बना हुआ इसलिए स्टेप्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए ऐसे करके आप ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये इसके नीचे का एरिया, स्टेयर केस के नीचे का एरिया आप पार्किंग की तरह यूज कर सकते हो। ये पार्किंग हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अंदर की ओर। ये हमारा टॉयलेट एरिया है, राइट साइड में घुसते हैं। ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये इसका डोर है, ये हमारा टॉयलेट। टॉयलेट का साइज है 8 फीट 6 इंच, ये हमारा है 8 फीट 6 इंच और ये हमारे हैं 6 फीट 6 फीट 8 इंच। ये हमारे वेंटिलेशन के लिए कटआउट हमने छोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉश मशीन लगा सकते हो और ये हमारा बाकी का एरिया भी काम में आ जाएगा। अब ये हमारा किचन एरिया है, किचन, ये किचन का साइज है 8 फीट 10 इंच बाई 6 फीट 8 इंच। ये इसका साइज है, टॉयलेट का साइज दोनों का सेम है। ये हमारा डोर हो गया रूम में जाने के लिए और ये हमारा डोर हो गया। ये हमारा मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम का साइज है 12 फिट बाई 10 फिट। ये 12 फिट विड्थ और ये 10 फिट लेंथ। अब ये हमारा सेकेंड बेडरूम, इसका साइज है 11 फिट 9 इंच बाई 10 फिट। ये विड्थ हमारा 11 फिट 9 इंच और ये लेंथ हमारा 10 फिट है। ये वॉल की, ये इंटरनल वॉल है, 5 इंच थिक वॉल है, ये वॉल है। ये किचन आप ओपन किचन रखना चाहो तो ओपन किचन रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डोर लगा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और आप कैसा चाहते हो। ये वॉल हो गया, ये आप किराए पे देने के लिए आप बना सकते हो। यहाँ पर एक डोर लगा दो,
तीस से आपका सेपरेट हो जाएगा और ये आपको ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए होगा। ठीक है, अब वॉल थिकनेस ये हमारा 5 इंच थिक। अब चलिए देखते हैं इसका कॉलम लोकेशन कहाँ कहाँ पर आएंगे। ये सबसे पहले कॉर्नर पे हमारे कॉलम आएंगे। ठीक है, ये स्टेयरकेस के लिए यहाँ कॉलम चाहिए हमें। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 13 नंबर्स। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगा। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कॉस्ट लगभग 8 लाख टू 9 लाख के आसपास आएगा। इसी टाइप का सिमिलर प्लॉट का पेज नक्शा देखना चाहते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है, आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि आप किसी और साइज के प्लॉट का नक्शा देखना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।